माशरती रवायात को चैलेंज करती इस खातून ने आखिर इस पेशे का इंतखाब क्यों किया, इन्हीं से जानते हैं। कितने लोग शॉक्ड होते हैं, ये बहुत ज्यादा खवातीन को ड्राइविंग नहीं आती है। जब भी रोड्स पे हम देखते हैं वार्डन्स भी घबरा जाते हैं, लोग भी घबरा जाते हैं। आउट ऑफ कंट्री से अक्सर मेरे साथ बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो कहते हैं आपकी हिम्मत है जो आप इधर ड्राइव कर रही हो, तो हमारी गाड़ियाँ घर में चार चार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लेकिन हम इधर लाहौर में ड्राइव नहीं कर सकते। क्या आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं? जी बस सारा दिन मेहनत करती हूँ, कुछ पेट्रोल पे निकल जाता है, कुछ गाड़ी पे लग जाता है, कुछ बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। ये शौक है या मजबूरी? पहले था शौक लेकिन अब जो है मजबूरी है। डर नहीं लगता? डर बस मुझे एक हफ्तों की राय ली थी, उनसे डर लगा था। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। व्यूअर्स, मर्द हजरात को आपने उबर करीम पर ड्राइव करते हुए, लोगों को राइड्स देते हुए देखा होगा, लेकिन यकीनन आपने ऐसी कोई खातून नहीं देखी होगी जो खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी इन ड्राइव पर लेकर जाएं और राइड्स दें। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खूनहार अजीम खातून से करवाने जा रही जिनका नाम अरूज है। घर के कामों काज के साथ साथ अपना इन ड्राइव पे गाड़ी भी चलाती हैं। गाड़ी इनकी अपनी है या किसी की है, और घर के खराजात इस पेशे के साथ पूरे होते हैं या नहीं, माशरती रवायात को चैलेंज करती इस खातून ने आखिर इस पेशे का इंतखाब क्यों किया, इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरूज, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं फैमिली में कौन कौन? फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी एक भाई है हार्ट पेशेंट। आप तीन लोग साथ रहते हैं? जी। बच्चे नहीं हैं? नहीं, बच्चे नहीं हैं। कितना अरसा हो गया शादी को? 3 साल हुए हैं। माशाल्लाह, शादी को 3 साल हुए हैं और इन ड्राइव पर गाड़ी चलाते हुए कितना टाइम? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, मतलब शादी से पहले से चला रही? जी, शादी से पहले चला रही थी। अच्छा, ख्वातीन की जब हम बात करते हैं तो ख्वातीन बहुत सॉफ्ट कॉर्नर देखती हैं काम करने के लिए, स्मूथनेस देखती हैं कि जी डिज़ाइनर बन जाएं, स्टिचिंग स्टार्ट कर दें, शेफ़ बन जाएं, मतलब कि ये सब चीज़ें, या फिर टीचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा। आपने इतना मुश्किल पेशा इख्तियार कर लिया, आखिर क्या वजह थी? बस ड्राइविंग का शौक था और फिर मैंने ये, बस अब मेरी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं थी कि मैं कुछ ऐसा कि अच्छी जॉब कर सकती, तो मैंने फिर ये इन ड्राइव पे लगा दी गाड़ी। 4 साल से इसी पे चला। गाड़ी किसकी? गाड़ी मेरी है। स्कूल कॉलेज टाइम में चलाती थी? नहीं, तब नहीं मैंने चलाई। कितनी क्वालिफिकेशन है? अंडर मैट्रिक है। अरे वाह, फिर भी इतनी ज़बरदस्त गाड़ी चला रही है, इसके फंक्शंस आपको सही मालूम है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरूज, मुझे ये बताइए कि आपने कस्टमर्स के हवाले से बात की है, जब आया कितने ऐसे कस्टमर आपको मिलते हैं जब आप अटेंड करती हैं, कॉल करती होंगी कि सर किधर आना है, मैडम किधर आना है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको कंफर्म पता होता है कि यार ये वैसे ही साथ कोई बैठी हुई बंदी है लेकिन ड्राइवर मर्द ही होगा कोई, तो कितने लोग शॉक्ड होते हैं? ये बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे 100 में से 60-70% जो ना शॉक होते हैं कि ये फीमेल है। ये बात का एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि चाइनीज़ था, तो वो गाड़ी, ये गुलबर्ग में थी मैं, तो पीछे बैठ के तो वो एकदम से बाहर निकल गया। उसने समझा पता ये मेल है और मैं फ़ीमेल के साथ बैठ रहा हूँ, ये मेरी गाड़ी नहीं है। तो फिर उसने बाहर निकल के जब नंबर गाड़ी का देखा, मोबाइल देखा, गाड़ी का नंबर देखा, तो कहता है अच्छा आप ड्राइव कर रही हैं? मैंने कहा जी। फिर वो बैठ गया। काफ़ी शॉक्ड होते हैं। अरे वाह जी वाह। लेकिन व्यूअर्स, जब तक हम इनके साथ राइड नहीं करेंगे तब तक हम कैसे मानेंगे इन्हें गाड़ी चलानी आती है? खवातीन तो वैसी ड्राइविंग को लेकर बहुत बदनाम है, तो बाकी बातें करेंगे हम अंदर, हम इनकी चेक करने वाले हैं ड्राइव, आ जाए मेरे साथ। जी व्यूअर्स, अभी मैं बैठी हुई हूँ गाड़ी में और अरूज आपा बहुत ही खूबसूरती से ड्राइविंग कर रही हैं। इनसे मज़े मज़े की गुफ्तगू करेंगे साथ में, और मैंने यहाँ पे पक्का करके जाना है आप लोगों को कि ये कमाल की ड्राइवर हैं। और ख़वातीन को जो बदनाम किया हुआ है ना कि ख़वातीन को ड्राइविंग नहीं आती है, जब भी रोड्स पर हम देखते हैं वार्डन्स भी घबरा जाते हैं, लोग भी घबरा जाते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ख़वातीन जो है बहुत अच्छी ड्राइव करती हैं, तो ये मर्द हज़राने में बदनाम किया हुआ है फीमेल को। मैंने तो देखा है कि आज तक कोई फीमेल जो है, बस अच्छा मुझे ये बताएं कि कहते हैं कि जिसने लाहौर में ड्राइविंग सीख ली वो पूरी दुनिया में गाड़ी चला सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लाहौर में जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आउट ऑफ कंट्री से अक्सर मेरे साथ बैठते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो कहते हैं आपकी हिम्मत है जो आप इधर ड्राइव कर रही हो,
तो हमारी गाड़ियाँ घर में चार चार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन हम इधर लाहौर में ड्राइव नहीं कर सकते। अरे वाह क्या बात है। अच्छा मेहरान ये चला रही हैं, इनसे जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में इसकी मेंटेनेंस पे भी पैसा लगता है जाहिर है, और पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया हुआ है, तो ये चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? क्या आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं? जी बस सारा दिन मेहनत करती हूँ, कुछ पेट्रोल पे निकल जाता है, कुछ गाड़ी पे लग जाता है, कुछ बचत हो जाती है थोड़ी बहुत। अच्छा अरुजापा आपसे सबसे अहम सवाल कि आखिर ये शौक है या मजबूरी? ये मजबूरी है, पहले था शौक लेकिन अब जो है मजबूरी है कि घर अपना नहीं है तो घर के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। आपके हस्बैंड क्या करते? हस्बैंड ऑटो चलाते हैं। अच्छा वो ऑटो चलाते हैं, उनको गाड़ी चलानी आती? जी। आपको गाड़ी चलाना किसने सिखाई है? मुझे पहले तो मैंने ड्राइविंग सेंटर से सीखी थी और उसके बाद फिर भाई से मैंने सीखी है। ये आपके अंदर एक पैशन ड्राइविंग का जिसको आपने कंटिन्यू रखा हुआ है अभी तक, आगे क्या करना चाहती हैं? गाड़ी चेंज करेंगी क्या? आया इसी तरह ये ड्राइवर वाला मामला खूबसूरत लग रहा है या कुछ और करना है? आगे सबसे पहले तो मेरा यही है कि मैं गाड़ी चेंज करूँ। कौन सी गाड़ी? खैर गुंजाइश तो इतनी नहीं है, कल्टक्स की है कि चले मैं इसके बाद कल्टक्स लूँ तो एसी वाली, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बड़ी मुश्किल है। देखें आपने फ़ैन लगा हुआ है गर्मियों में, ये लगाती हूँ लेकिन ये भी इसकी भी हीट बहुत ज़्यादा आती है गर्मियों में। अच्छा हम इनसे जानते हैं कि पूरा दिन आपका कैसा गुजरता है, घर को भी मैनेज कर रही हैं साथ में ये काम भी कर रही हैं, तो कैसे दिन का आगाज़ होता है? सुबह सबसे पहले मैं उठती हूँ और नमाज कुरान पाक पढ़ती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह बना खुद भी करती हूँ, हस्बैंड को भी और भाई हैं मेरे उनको करवाती हूँ सफाइयाँ वगैरह जो भी सारा कुछ करके, तो फिर मैं अपनी गाड़ी कभी इसको साफ़ कर देती हूँ, कभी मैं कर देती हूँ, तो इसके बाद फिर अपनी ड्यूटी पे निकल जाती हूँ। तकरीबन 10 बज जाते हैं, 10 बजे से ले कर तो मैं 6 बजे तक 7 बजे तक कभी 8 भी बज जाते हैं बाहर ही रहती हूँ, रोड पर रहती हूँ। डर नहीं लगता? डर बस मुझे एक हफ्तों की राइड ली थी उनसे डर लगा था, वो तो मेरी टिकटॉक में भी आपने देखा होगा कि उस वो हफ्ती बैठ रहे हैं, तो मैंने जल्दी से वीडियो बना ली और डर भी लग रहा था मुझे उनसे काफ़ी, तो उनसे लगा था वैसे नहीं। या फिर लेट नाइट कोई राइड ऐसी मिल जाए तो फिर लगता है, किसी सुनसान एरिए में जाऊँ तो वहाँ पर लगता है। कोई ऐसा कस्टमर आया जिसे आप पैसे ना दिए और भाग गया? जी एक कस्टमर था, लेकिन वो कस्टमर नहीं था, उसने डिलीवरी की राइड करवाई थी, तो अंकल जी थे, कहते बेटा आपको काम करते देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह आपको कारोबार में तरक्की दे और आपको हिम्मत दे, इस तरह की दुआएं दी उन्होंने। तो कहते मैं एक मेरा वो आदमी आएगा बाइक पे, आप इस लोकेशन पर जाएँ PI रोड पर मिज़ान बैंक पर जाके, तो वो आपको ना देगा डॉक्यूमेंट देगा, वो आपने बदामी बाहर ले के आने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वो आदमी आया उसको उससे डॉक्यूमेंट लिए, मैंने उसको 1000 रुपया दे दिया जो सारा दिन में कमाया था, तो बदामी बाग गई उनकी लोकेशन पे, तो उस दौरान बाद में उनकी कोई कॉल नहीं आई, उनका नंबर बंद, मेरा हाथ से जो मैंने कमाया था सारा दिन वो भी गया और जो उनका फेयर बनता था वो भी गया, मेरा फ्यूल भी गया। अच्छा इस वाक्य के बाद क्या कभी दिल बर्दाश्त हो कि आपने ये काम छोड़ दिया और कहा कि बहुत धोखा फरेब है अब मैं ये नहीं करूँगी? नहीं मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो अब आके जो है ना मेरे सर में दर्द रहता है अक्सर, तो मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गई रमज़ान से पहले, मैंने कहा चले मैं अपना वो चेकअप करवा लूँ हॉस्पिटल में, तो गई तो मेरा 0.25 जो नज़र है मेरी वीक हुई है, तो अब आके मैं आज भी हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा अब दिल नहीं करा कि मैं ईद के बाद मैं ये काम करूँ, मेरा दिल करता मैं छोड़ दूँ, लेकिन नहीं मजबूरी है करना है। अच्छा उन खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जिनके पास कोई ना कोई हुनर है लेकिन वो घर की चार दीवारी में किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से या खौफ की वजह से माशरे के डर की वजह से कैद है? नहीं जिन उनको वो बस ये डरती हैं बाहर निकलने से, पता नहीं मर्द हजरात हमें क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 95% जो लोग हैं मुझे अप्रिशिएट करते हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, आजकल के हालात सबको पता है कि कैसे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी हुई है, तो हर घर में हर फर्द कमाए तो फिर गुजारा हो सकता है। कोई हरेसमेंट का केस तो नहीं हुआ आपके साथ? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। थैंक यू।